विकास अग्रवाल, आपके यहाँ फिर जोड़ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। आज हम जो है वेस्टीज में सफलता कितनी तेजी से पाई जा सकती है और कितने लोग सफल हो रहे हैं उस बात को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि तीन टीम कैसे चेंज हुई है, डायरेक्टर लेवल पे शुरू होके सिल्वर लेवल और गोल्ड लेवल। तो हम मिलेंगे अभी डायरेक्टर लेवल पे और फिर उसके बाद गोल्ड लेवल वालों पे। तो सर हम जो है मिल रहे हैं अभी। आइए सर, इधर आइए सर। आज सर ने जो है डायरेक्टर लेवल अचीव किया हुआ है और पीछे आप देख रहे हैं चार एयर प्यूरीफायर रखे हुए हैं। तो सर ने चार लोगों को एयर प्यूरीफायर सेल किया है, उसके साथ अपनी डायरेक्टरशिप पूरी की है। यहाँ पे हस्बैंड भाई दोनों मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं और वेस्टीज बिजनेस में ज्यादा समय नहीं हुआ, हम जानेंगे इनसे पूरी स्टोरी। जून में मैंने ये बिजनेस 18 जून को मेरी अपलाइन आई थी सुमेश करी जी, उन्होंने इसके बारे में बताया और सारा सिस्टम समझाया हमें और इसको हमने समझा। फिर दो चार दिन का टाइम लेके उसको हमने डिसाइड किया कि नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट्स उन्होंने जो बताए थे वो सारे बहुत अच्छे थे और प्लान जो है वो सब बहुत खूबसूरत था। तो हमारे मन में यही आया कि नहीं, हम जब सब बहुत जगह करते हैं तो ये भी हम करके देखते हैं। तो हमने चालू किया और जब चालू किया हमने बिजनेस करना तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था और साथ में जिन जिन को भी बताया वो भी साथ में आए, उन्होंने भी साथ में काम करना चालू किया और धीरे धीरे हमारी टीम बिल्ड होती गई और इसी विश्वास के साथ जो कंपनी का एक प्लान है, जो सिस्टम है, उसको हम फॉलो करते गए और आज ये डायरेक्टर लेवल अचीव किया है जो आप लोग देख रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले क्या क्या काम कर चुके हैं और किस फील्ड से होने के बाद आपने इस बिजनेस को शुरू किया। मैं फार्मा फील्ड से हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने 16-17 साल जॉब किया है और जॉब करने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस भी रन किया है, वो भी रन कर रहा हूँ अभी भी और साथ में उसके साथ साथ में ये वेस्टीज का भी काम कर रहा हूँ। पर ये मेरे को ऐसा लगा कि मैंने वो जो काम किए अगर ये मेरे को पहले मिल जाता तो शायद आज पिक्चर कुछ और होती। सर क्या आप फार्मा का जो बिजनेस करते थे उसमें अभी और आप दोनों मिलकर काम? नहीं, मैं अकेले ही काम करता था, ये पूरा हाउस वाइफ थी, ये भी जॉब में थी पर इनका मेरे काम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर आज ये खुशी होती है कि हम लोग साथ में ये बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मैं काम करता हूँ, इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और जो मैं करके लाता हूँ इनको सारी चीज़ें डिटेल्स बताता हूँ, ये फिर उनको फॉलो करती हैं। मेरी अपसेंट में बात करना है किसी को भी, जो भी अपडेट्स होते हैं फिर ये नोट डाउन करके रखती हैं, फिर मेरे से शेयर करती हैं, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इस चीज़ को। अभी ये हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए और कैसे आपने इसको अपना हाउस वाइफ होते हुए और एक जॉब करते हुए इसको मैनेज करा है, इसको जानना चाहिए। मेरा नाम सुषमा साकल्ले है, मुझे ये वेस्टीज का ऑफर मेरी फ्रेंड के थ्रू, जो अब गोल्ड डायरेक्टर है मिस्टर भानुलता खरे, उनके थ्रू मिला था। तो मुझे ये जब उन्होंने मुझे लीडिंग लेडी और ये सब दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मतलब मुझे इंटीमेशन हुआ, मुझे कुछ क्लिक हुआ कि ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए इसमें। तो फिर मैंने ना मतलब हसन हम दोनों ने मिलकर इसको फिर थोड़ा सोचते रहे, जुलाई से स्टार्ट किया। तो पहले तो मैं जॉब करती थी बट बेटी छोटी होने के कारण अब छोड़ दिया था, बट इसमें आने के कारण ऐसा लगा कि नहीं, हाउसवाइफ का टैग जो है उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो अच्छा भी लगता है, दोनों शेयरिंग होती है। पहले किसी भी बात पर कुछ भी बात होती है पर अब ये लगता है कि नहीं, ये वेस्टीज आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ मतलब बिजनेस से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। तो मिलके जो काम करने का मजा है वो वेस्टीज में है, इसके अलावा कहीं नहीं। जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है इस अचीवमेंट को जून से शुरू करके और आज नवंबर में, आज जो तारीख है नवंबर की वो फिर से वही तारीख है जिस तारीख को आपने शुरू करा था, उसके एक दिन पहले की तारीख है 17 तारीख, आपने 18 दिन को शुरू करा, 17 नवंबर को आपने उसको कंप्लीट करा डायरेक्टर को। तो आपने कुछ गोल बनाए थे उसके अनुसार करा, कुछ सपने आपने देखे हैं, आपके प्लान जो खरी फैमिली है उन्होंने आपसे कुछ ड्रीम्स निकलवाए थे आपके, उनको आप कुछ शेयर करेंगे कि क्या क्या आपने ड्रीम दिए हैं, किस मिशन को लेकर आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं?
हमारा ये जो हमारी अप्लाइंग जो सुमेश करे जी हैं उन्होंने बताया जब सारे सिस्टम के बारे में और जब हमने वेस्टीज के बारे में देखा और सुना और जो सारे सोर्स ऑफ इनकम्स देखी तो वो इनकम के पीछे फिर हमने देखा कि नहीं हम जिस बैकग्राउंड से हैं जो हमने जॉब वर्क किया हुआ है अगर उस जॉब वर्क एज ए उसको हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत जल्दी कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। और हमारे सपने ये थे कि हमें बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है उनको एक अच्छा पढ़ाना है और एक हमारे सपने कुछ हैं जो उनको फुलफिल करने पूरे करने जो हमने मिलकर देखे हुए हैं उनके लिए तो हमने सोचा इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। और इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास टाइम की फ्रीडम है, आपको बिल्कुल शार्प 10 o'clock पे कहीं जाना नहीं है और 5:30 ऐसा नहीं है कि 6 o'clock या 5:30 आपको बिल्कुल वहाँ से आना है और 10 o'clock ही जाना है। इसमें टाइम का फ्रीडम है, हम हमारे हिसाब से अपना बिजनेस को हैंडल करते हैं। सेकंड ये है कि हमको इसमें आगे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, जो हम आज सोचते हैं कि हम ये करें या ना करें वो चीज़ से हम फ्री होना चाहते थे। फ्यूचर सेफ है इसलिए हम इस बिजनेस में आए और हम इसको आगे इसीलिए रन करना चाहते हैं इसी में आगे कि यहाँ पर सब कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम भी है और टाइम फ्रीडम भी। तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि अभी पता लगे सोचे ना तुरंत ज्वाइन। मतलब दोस्तों हमें यहाँ पे पता चला कि जो जॉब मेंटेलिटी होती है, भाभी जी ने भी जॉब किया हुआ है, सर ने भी जॉब किया हुआ है, तो एक दर्द आप महसूस करने की कोशिश कीजिए 10 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो दर्द होता है वो भाभी जी का एकदम से निकल के आया कि किस तरीके से वो टाइम टू टाइम हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे वहाँ पे। और आज अपने हिसाब से सुबह करना है बिजनेस को, सुबह दोपहर में करना है, शाम को करना है, रात में करना है, हम अपने टाइम के हिसाब से उस बिजनेस को रन कर पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अभी जो है हम मिलना चाहेंगे आपके अपलाइन जो है खरे फैमिली उनसे। समझ आप तीनों आइए। हाँ हाँ आइए। यहाँ पे सर जो टीम में अगर 2 लोग डायरेक्टर जाते हैं तो हाँ से हमारे को गोल्ड डायरेक्टर का खिताब मिलता है और हम आगे बढ़ रहे होते हैं। मैदान यहाँ पे ये पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस को कर रही है, हम तीनों से जानना चाहेंगे। पहले भी मैं आपको इनसे मिलवा चुका हूँ दिल्ली ऑफिस में, आज दोबारा मिलवा रहा हूँ। उस समय सर का लेवल डायरेक्टर लेवल था और आज जो है वो डायरेक्टर लेवल है। सिर्फ 2 महीने 3 महीने में जो है इतना बड़ा अचीवमेंट किया है सर, तो हम जानना चाहेंगे उनकी जर्नी के बारे में। सर बताइए। मैं शुरू से ही जैसे बताऊंगा ये अभी गोल्ड डायरेक्टर शुरू से बताइएगा। शुरू में मैंने बहुत जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था उस समय मेरे हालात बहुत ही ज़्यादा विपरीत थे, बहुत सारी जो मैं जो भी NGO चलाता हूँ और उसमें से मेरे को काफ़ी लॉसेज आ रहे थे, तो मैं डे बाय डे जो है बहुत परेशानियों से गिरता जा रहा था। उस समय मैंने ये बिज़नेस देखा। अच्छा, काफ़ी लोग निगेटिव भी रहे, बहुत लोग मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने मेरे को इस बिज़नेस में जाने से रोका, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया, मैंने संकल्प किया, तो मैंने ये सोचा कि अब इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और ठान के मैंने जब इसमें भिड़ा तो मुश्किल से 3 या 4 महीने में डायरेक्टरशिप हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे मैं टीम बिल्ड करने में मेहनत करता रहा। टीम ने मेरा सहयोग किया, मैंने टीम का सहयोग किया, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज उसी का परिणाम है कि मैं सिल्वर भी हुआ जस्ट उसके बाद ही और आज गोल्ड हो पाया, क्योंकि टीम मेरा साथ टीम दे रही है और मैं टीम के हमेशा साथ और इस टीम वर्क के साथ ही मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करता जा रहा हूँ। मुझे यही चीज़ समझ में आई कि ये बिज़नेस टीम वर्क का है, टीम से ही ये बिज़नेस बढ़ता है। बिल्कुल सर, इंडिपेंडेंट तो कुछ नहीं। सबसे पहली टीम तो सर हम घर में बनानी होती है, हस्बैंड वाइफ की, वो आप लोग पूरी फैमिली जी। ये बात तो है कि सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा यही है और आज मेरे को जो भी सफलताएँ हासिल हो रही है उसमें मेरे परिवार का ही हाथ है कि हम लोग तीनों एक मत होकर काम करते हैं, हर चीज़ हम लोग आपस में सलाह करते हैं और शेयर भी करते हैं, कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं रहती, इसलिए हम तीनों एकजुट होकर इसमें लगे हुए हैं। और मेरे बेटे को पिछले महीने मैंने ज्वाइन कराया और फास्ट ट्रेड को हो गया इसमें और 18 का होते साथ ही मैंने इसको ज्वाइन कराया, 18 का होने का इंतजार कर रहा था मैं, जैसे 18 का हुआ मैंने इसको ज्वाइन कराया और एज ए कैरियर ही उसको लेकर चल रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, उसकी पढ़ाई मैंने नहीं रुकवाई, पढ़ाई बराबर कर रहा है, वो स्टडी की जा रही है लेकिन उसको एक कैरियर के रूप में ले रहा है और बढ़ गया है।
आंसर जो आपने अभी बात बोली कि कैरियर के रूप में वेदांत जो है वेस्टीज को ले रहे हैं, सर आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि 70% माँ बाप जो है जो खुद काम कर रहे होते, चाहे वो जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, वो अधिकतर कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे उस फील्ड में ना जाएं, दूसरी किसी फील्ड में जाएं, और आप वेस्टीज पे इतना भरोसा कर पा रहे हैं कि आप जो उसको कैरियर के रूप में उसको अंडर कर रहे हैं। बिल्कुल क्रेड, ये 7 महीने की जर्नी मैंने ये देखा कि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में, और इसीलिए मैंने अपने बेटों को भी इस बिजनेस में ग्रेट। सभी जी हम आपसे जानना चाहेंगे आपका सफर, आप पहले हाउसवाइफ थे या कोई जॉब में थे, और किस तरह से आपने इसको करा है, घर पे रहते हुए हस्बैंड के साथ जाके आपने किस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड करा है, पूरा सफर जानना चाहेंगे। बिजनेस जब स्टार्ट किया हस्बैंड के बोलने पर ही, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया कि बिजनेस अपने को करना है, तो कई सारे बिजनेस हम लोग कर चुके थे जिसमें हमें बहुत बहुत लॉस हुआ था। तो पहले तो ये लग रहा था इसमें यदि पैसा लगाने वाला काम है तो नहीं करना, पर जब पता लगा कि अपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ हमको जो अपने यूज़ का प्रोडक्ट लाना वही करना है, तो कहाँ ठीक है अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे तो स्कूल में जॉब कर रही हूँ, और जैसे कि स्कूल शेयर करने का काम है तो खुद यूज़ करा प्रोडक्ट को और अपने कलीग्स को बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने यूज़ किया तो हमको रिजल्ट मिला उसका, वही देने पर हमको मेरे को वहाँ भी रिजल्ट मिलने लगा, क्योंकि वहाँ बताया तो उन्होंने भी यूज़ करना शुरू करा। धीरे धीरे करते करते मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क और ग्रुप बन गया, जो आज अब इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है कि मैं बोल डायरेक्टर हो रही तो बहुत खुशी हो रही है। और कंपनी के जो स्टेप्स होते हैं अगर उसको फॉलो करते हैं, तो जैसा कि कहा जाता है कि आप फास्ट हर वर्क को करते जाते, तो वही स्टेप को फॉलो किया है, और आज जो इतना फास्ट हमने ग्रोथ किया वो उसी की वजह से, क्योंकि कंपनी का एक भी रूल हमने अपनी तरीके से नहीं चलाया, जैसा उनका रूल है हमने उसी के स्टेप्स को फॉलो किया, और जैसे नेटवर्किंग में होते हैं वो रूल्स भी फॉलो करते गए, और आज ये अचीवमेंट किया। ये सभी को रूल फॉलो करेंगे तो अपने आप रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल है ना। अभी जो दोस्तों आपने सुना मैम की बात, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो फंडा है या सबसे बड़ा जो रूल है वो अपना दिमाग साइड में रखने का है। अगर आप नेटवर्क में आए हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आपने चुना है, तो वहाँ पे जो सिस्टम सिखा रहा है, जो कंपनी का सिस्टम सिखा रहा है, जो अपलाइन सिखा रहा है, उसको आप यूज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज तक हम जो बने हैं, आज तक हमने जितना कुछ पाया है वो अपने दिमाग से पाया है। अगर हम बहुत बड़ा कुछ नहीं पा पाए हैं तो इसी कारण से कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं रुक जाता है। एक पारदर्शी छत होती है हमारी सोच की, जो हमें दिखाई तो नहीं देती है लेकिन वो होती ज़रूर है। लेकिन जो सफल प्रूवन सिस्टम होता है वो कई लोगों के दिमाग से बना होता है, उसमें कई लोग फेल होते हैं, कई लोग पास होते हैं, उसके अनुसार वो सिस्टम बनता है। इसलिए जो मैम ने बोला वो एक सच्चाई है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल आप जो है छोड़ दीजिए कि आपको अपना दिमाग लगाना है। 2 साल के लिए दूसरे के दिमाग से अगर हम लोग लखपति बन सकते हैं तो क्या बुराई है दोस्तों। अपना ईगो साइड में रखिए, क्या हो जाएगा, अपना ईगो रखिए। हमें बिजनेस करना है, हमें पैसा बनाना है, दूसरा हमें सलाह दे रहा है, हमें रास्ता दे रहा है, हमें हाथ पकड़ के आगे ले जाना चाह रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों अब हम यंग बॉय से पूछना चाहेंगे कि ये जो निर्णय लिया गया है वो माता पिता का ठोका हुआ निर्णय तो नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है, या फिर ऐसा हो कि उन्होंने जो है कैरियर चुना ही नहीं हो वेस्टीज को और उनके मम्मी पापा सफल हो रहे थे तो उन्होंने जबरदस्ती बोल दिया हो कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अधिकतर हमने देखा है कोई भी जॉब हम जा रहे होते हैं, कोई भी पढ़ाई हम कर रहे होते हैं तो बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी वेदांत में कि सर जिस दिन से वेस्टीज बिजनेस में जुड़े थे उस दिन से ही वेदांत भी यहाँ पे जो है रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे थे, रेगुलर सेमिनार अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ समझा होगा, सीखा होगा। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि ये थोपा गया बिजनेस है उनके लिए, बाकी में ये वेस्टीज को अपना करियर बनाना चाहते हैं वेदांत। नहीं, थोपा गया नहीं है, क्योंकि ये जो मीटिंग्स थी और ट्रेनिंग थी यही सबसे बड़ा कारण है जी। फर्स्ट मैंने जो मतलब जिससे सर अंदर जगह की मतलब अब तो यही करियर है ऐसे में करना है, वो थी मयूर सर की मीटिंग जो सर ने डाली भी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, मयूर चौधरी सर की। और उसके बाद फिर ड्रीम सर्किल काफ़ी जो उनने बताया और मेरे भी ड्रीम्स थे रिलेट हुए, वो ड्रीम तो दिल में फिर आग जगी, बर्निंग डिजायर आया
उसके बाद एक करियर तो चाहिए। ट्वेल्थ के पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब क्या करने वाला हूँ आगे, किस फील्ड में जाऊँगा, लेकिन ये जो 6-7 महीने थे इससे वेस्टीज से ऐसे दिल से जुड़ गए थे, और अब तो 1 महीने पहले आईडी से भी जुड़ गए, ऑफिशियली जुड़ चुके हैं। अब बस काम करना है, फास्ट एड तो हो गए, 10 दिन में फास्ट एड हो गए थे, अब डायरेक्टर के यही प्लान है डायरेक्टर का। बहुत जल्द से जल्द आप ही बन पाओगे। वेदांत, आपने बताया कि बर्निंग डिजायर आपके मन में आई, कुछ ड्रीम जगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके कौन से जो है ड्रीम जगे इस बिजनेस को लेके, जो आपने मयूर चौधरी सर जो कि एक यंग रिच मैन हैं आज की डेट में, नागपुर से बिलोंग करते हैं, और 1 महीने HDFC बैंक में जॉब करने के बाद उन्होंने जो है वेस्टीज बिजनेस करने का निर्णय लिया, और वेस्टीज को उन्होंने सरे से नकार दिया था। बिल्कुल नकारने के बाद उन्होंने जब उसको गहराई में जाके सोचा तो आज वो जो है यहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, जो YouTube पे मेरी DP लगी हुई है वो मयूर सर की रेड मर्सिडीज कार के साथ लगी हुई है, क्योंकि वो मैं भी लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनकी कार के साथ वो फोटो खींच के लगाया हुआ है। मयूर सर आज 5 लाख प्लस का चेक ले रहे हैं, 29 साल की एज है, अपने लिए 2 मकान बना चुके हैं। तो एक यंग बॉय जो 18 साल अभी कंप्लीट किए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग में भी है, उनके दिल में क्या बर्निंग डिजायर आई है, क्या ड्रीम लगी है। एज ए टीनेजर मेरे ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं और अब तक तो सारे पूरे होंगे। तो जो उधर मयूर सर से मैंने सुना कि वो 2018 में मस्टैंग लेने लेने का प्लान कर रहा है, बस वो मस्टैंग मेरा भी ड्रीम बन गया। अब क्या बात, 2022 मस्टैंग 11 सितंबर को, बिल्कुल। और मैंने अपने हर बर्थडे के लिए अपने लिए गिफ्ट सेट करके रखा है। पहले एप्पल मैक एयर आएगा 2018 में 11 सितंबर, 2019 में आएगी एक्स क्रॉस, ग्रेट, सुजुकी, मारुति सुजुकी, और 2020 में मैं जाने वाला हूँ जापान, क्योंकि वहाँ एनिमेस का बहुत बड़ा चलन है, वहीं से सारे एनिमे निकले, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सारे एनिमेशन का। ग्रेट। इसके बाद फिर आएगी मस्टैंग नेक्स्ट बर्थडे। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने अभी आने वाले 6 महीने के अंदर क्या ड्रीम रखा हुआ है, डायरेक्टर लेवल आप लेना चाहते हो, तो जैसे पापा मम्मी ने 4 महीने डायरेक्टरशिप करी, अभी हमने एक सज्जन से मिले उन्होंने भी 4 महीने में डायरेक्टरशिप करी लगभग, तो आपने अपनी डायरेक्टरशिप को क्या सोचा है, और पहला जो आपके नाम का चेक आएगा बड़ा चेक, उससे आप कहाँ पे खर्च करोगे, वो मम्मी पापा को नहीं देना आपको, वो आपको अपने ऊपर खर्च करना है, तो उससे आप क्या खरीदना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी होगी, मम्मी पापा आपके मेंटर भी हैं, अपलाइन भी हैं, उनकी मेहनत भी होगी, लेकिन वो आपकी मेहनत का चेक होगा, पहला ऐसा चेक होगा जो एक स्टूडेंट लाइफ में होते हुए आपको करीब करीब जो है 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच का चेक आएगा, तो आप उससे क्या लेना चाहोगे। एक्चुअली मैंने और पापा ने डिसाइड तो हमने ये कह रहा था कि 1 महीने में जल्दी से जल्दी फास्ट डायरेक्टर की प्लानिंग करें, उस हिसाब से कम अपना 25,000-30,000 तक का चेक आना है, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उसके लिए सोचा है कि मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा, ताकि आगे आने वाले जो रहेंगे मैं डायरेक्ट लैपटॉप पे काम करूं, उसी पे दिखाऊं। एयर प्यूरीफायर के लिए भी डायरेक्ट उस पे स्लाइड्स रखे जाए, यहां पे सब रखे हुए मिक्सर के, और यही सब इनके लिए लैपटॉप से एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही असर पड़ता है। Yes. या वो चीज ही ऐसी है, अब 20,000 की चीज को हम जरा से मतलब एक कागज पेन पे दिखाएंगे ऐसे मजा भी ज्यादा नहीं आता, इसलिए उसको भी फिर अच्छे लैपटॉप पे बढ़िया तरीके से दिखाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि फास्ट 8 अभी वेदांत हो चुके हैं और फास्ट 20 की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कंपनी के 2 ऑफर हैं जो सिर्फ वेस्टीज कंपनी में मिलते हैं आपको, कि आप कैसे फास्ट ग्रो कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो है हम मिलना चाह रहे थे जो टीम लीडर हैं, जिनकी टीम में जो है इन लोगों ने इतना अचीवमेंट लिया है, हम मिलेंगे अभी निधि भाभी से। और निधि भाभी अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल सेटिंग की और उनको अचीवमेंट दिलवाने में क्या हेल्प की, किस तरह से उन्होंने जो है अपनी टीम में गोल डायरेक्टर निकाला है, किस तरह से न्यू डायरेक्टर के लिए उन्होंने प्लानिंग करवाई, तो आगे निधि भाभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि शर्मा है, हम दोनों मेरे हस्बैंड और दोनों बिजनेस को वेट कर रहे हैं, और मेरा इस बिजनेस के प्रति एक्सपीरियंस ये है कि पहली चीज़ तो ये बिजनेस में दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं, और दूसरी खूबसूरती की बात, जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं वेस्टीज, वो दुनिया इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और पहली कंपनी जो विदेशों में जा रही है, मल्टीनेशनल हो चुकी है,
और इसके साथ काम शुरू करना हमारी खुशकिस्मती है। मैं सबके साथ बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे साथ आए, ज्वाइन करें। और रही बात लीडरशिप की, तो हमने हमारे अप्लाई से अनंत भैया, दीपेश भैया, निक्की सर, हमने जो सीखा वही हमने नीचे काम करते हैं। हमने पहले सीखा कि हमको कैसे काम करना है, पहले हमें प्लान समझा, स्ट्रक्चर समझा, एक गोल सेट किया, क्यों क्लियर किया। अगर हमारा वाय क्लियर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वही वाय हमने अपनी डाउनलाइन में दिया है। भाई आप यदि पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका क्यों करना है वो ज़रूरी है, फुल टाइमर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं वो ज़रूरी है। और कुछ मीटिंग फंक्शन जो हमने अटेंड करे, हमारी टीम को अटेंड करवाए, वही चीज़ हम नीचे फॉरवर्ड करें। तो इसी तरीके से हमारी टीम बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छे अच्छे डायनेमिक लीडर हमारी टीम में मिले हुए हैं, जिनकी वजह से वो लोग भी सक्सेस हो रहे हैं, आज हम भी सक्सेस हो रहे हैं और उनके नीचे और लीडर बहुत अच्छे अच्छे डेवलप हो रहे हैं। अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो है लोगों के साथ काम किया वाय पे, तो आपने अपना वाय क्या क्लियर करा कि आप क्यों कर रहे हैं? विकास भैया, पहला तो मेरा वाय ये है कि मैं 15 साल से प्राइवेट जॉब कर रही थी और 15 साल में जो मेरी सैलरी थी वो वेस्टर्न में आने के बाद मुझे ना 4 or 5 months, 4 to 5 months के अंदर मैंने अपनी सैलरी से डबल इनकम यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया पार्ट टाइम में। ये हमारा एक छोटा सा वाय। इसके बाद अब हमारा जो दूसरा गोल है कि हम आने वाले 6 महीनों में कम से कम 50 to 70 में जाएं, 50 to 70 तक, 50 to 70 हज़ार का हमारा चेक हो, ताकि हम दोनों मिलकर हमारे हस्बैंड की जॉब को भी क्विट कर सकें। उसके बाद फिर एक छोटी सी कार हमने i10 प्लान करी हुई है और प्लानिंग के लिए, मतलब अभी छोटे छोटे प्लान करा है, एकदम बड़ा प्लान नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल मैम, तो ये हमें मिल चुका है और हमने उस पर चलना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैं जानता हूँ दोस्तों, भाभी ने और अनिल भैया ने जो है मिलके एक पिछली कंपनी में भी नेटवर्किंग कंपनी में काम करा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कहलाती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ प्लान की कमी थी या कुछ इस तरह का सिस्टम था कि वहाँ से जो है सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर मात्र मुझे लगता है कि अभी 1 साल हुआ है अभी आपको शुरू करेंगे, हमको 7 to 8 महीना रनिंग चल रहा है, 8 महीने तो बन चुके थे बट काम पे फोकस नहीं कर रहे थे। आज 8वां महीना हमको काम करते हुए रनिंग हुआ है और हमारी प्रोग्रेस जो पिछली कंपनी में 8 साल के अंदर नहीं थी वो यहाँ हमने 8 महीने में अचीव किया है। वाओ, तो हम इस चीज पे भी फोकस कर रहे हैं कि जो लोग दूसरी कंपनियों में सक्सेस है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके अगर जहाँ से कंपनी में सक्सेस नहीं हो रहा है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हमें ज्वाइन करें और जो जिसका वो हकदार है एक्चुअली, जो सफलता वो बिलोंग करता है लेकिन उसको नहीं मिल पा रही है, वो हमारे साथ आए और उसको अचीव करें। क्या बात। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वेस्टीज में कई सारी दूसरी कंपनियों के लोग भी जोड़ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वेस्टीज एक लोग का ऐसा प्लान है जो 2000 जून को शुरू हुआ था, 2 जून 2004 को, और तब से अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्ट के प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। गौतम बाली सर ने जो प्लान अपने दो लोगों के साथ मिलकर डिजाइन किया था, जो प्रोडक्ट के प्राइस रखे थे, जो सिस्टम डेवलप किया था, वो सिस्टम आज भी चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो पिछली कंपनी की हमने बात करी है, अभी भाभी ने बताया कि उस कंपनी में ही एक व्यक्ति और थे जो 11 साल से थे और वहाँ पे फाउंडर प्लेटिनम थे। उनने वहाँ पे काफ़ी मेहनत करी, एक अच्छा चेक होता है, हम बोलते हैं कि फाउंडर प्लेटिनम है, लेकिन वो उनको सफलता लग नहीं रही थी कि हमने 11 साल देने के बाद भी जो हमें बताया गया था या जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फाउंडर प्लेटिनम एक बहुत अच्छा पिन माना जाता है उस कंपनी में। उसके बावजूद जब नहीं हो रहा था तो उन्होंने जो है स्विच करा उस कंपनी को और वेस्टीज कंपनी ज्वाइन करा। सिर्फ 2.5 साल में, 2 से 2.5 साल में आज उनका जो चेक साइज है जो पिछली कंपनी में था उससे डबल से ज़्यादा हो चुका है। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूनिवर्सल क्राउन बन चुके हैं। दोस्तों सफलता तेजी से बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिसीजन आपको लेना है कि आप वेस्टीज में जोड़ के सफल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। मैंने भी ये दोस्तों बिजनेस जब शुरू करा था तो बहुत तेज़ी से इस बिजनेस को बिल्ड करा था। बीच में अभी जो है मैं और भी कामों में लगा हूँ, साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ। अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ में सफलता हमारी आगे बढ़ती जा रही है।
यहाँ पे वेस्टीज में जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9303131466। दूसरा मेरा नंबर है 9893468111। मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जो है विकास अग्रवाल वेस्टीज के नाम से, कई सारे वीडियोज़ इसमें हैं। दोस्तों क्या होता है कि कई बार आप जो है नए नए वीडियो देखते हैं लेकिन पुराने वीडियो पर आप नहीं पहुंच पाते, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कर्सर घुमा के मेरे पुराने वीडियोज़ पर भी फोकस कीजिए। आप देखिए वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वीडियो आपको ला के दूँ जिससे आप जो है सफल होने के लिए तैयार रहें। बहुत सारे लोग मेरे साथ टीम में जुड़ रहे हैं जो भोपाल में यहाँ पर रहता हूँ, वहाँ से दूर दूर सिटी में, सूरत में है, कोलकाता में है, दुबई में मुझे शुरू करना है दोस्तों, यहाँ पे देहरादून में है या फिर जो है मुंबई में है। तो उन लोगों के लिए भी हम इस यूट्यूब के द्वारा उनकी सफलता के रास्ते बता पा रहे हैं और वो लोग उस पर काम करके सफल हो रहे हैं। सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अगर आपको सफलता लेनी है तो काम तो करना पड़ेगा। अब हम जो है जुड़ने वाले हैं अनिल शर्मा सर से। सर छोड़ दीजिए, निधि भाभी से भी हम मिले थे, अब अनिल शर्मा सर से मिल रहे हैं जो हीरो टाइप लगते हैं। देखिए आप बिल्कुल। तो अब हम जानेंगे सर से कि सर ने ऐसी क्या प्लानिंग करवाई अपनी टीम में और कैसे सफर शुरू करा, क्योंकि हमने बताया कि पिछली कंपनी में इन्होंने 8 साल दिए थे, लेकिन 8 साल देने के बाद भी जो है वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा था जो 8 महीने में वेस्टीज में उन्होंने एक्टिवली करा है। तो हम जानेंगे सर से कुछ टिप कि कोई भी व्यक्ति कैसे सफल होता है। सर देखिए जनरली क्या है, कोई भी विकासर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो पहली चीज़ क्या है, उसको जो प्राथमिकता जो हम देते हैं, जनरली क्या होता है कि जब किसी को हम दिखाते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड तो कंपनी होती है नो डाउट, और प्रोडक्ट से पैसा आना है सही बात है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम करना शुरू करते हैं। कोई भी आपके डाउनलाइन में आएगा, आप उसको प्रोडक्ट्स को लेके बात करोगे या वो नीचे बात करेगा, अपने 4 दोस्तों से बात करेगा, तो हो सकता है कि वो काम ना करें या प्रोडक्ट ना खरीदेंगे, तो उसका मोरल डाउन होता है। मोरल जैसे ही डाउन होता है उस व्यक्ति का, तो फिर वो नेटवर्किंग की ताकत को बेचने का, सेल्समैनिंग का काम करना शुरू कर देता है। कुछ लोग 1 महीना चलते हैं, कुछ 6 महीने चलते हैं, उसके बाद में खत्म। और अगर नेटवर्किंग का असली मतलब है तो नेटवर्क नाम नेटवर्किंग है तो समझो कि इसमें अगर सेल्स होती तो सेल्स होता ना इसके अंदर कि हमको सेल्स करना है, नेटवर्क तो नेटवर्क तैयार करना है ऐसे लोगों का जो हम हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके और उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कर सके, ना कि सेल कर सके, ये कॉन्सेप्ट है। तो नेटवर्क कैसे बनेगा, नेटवर्क बनेगा सिंपल सी चीज़ है, हमारी टीम में हमने दो चीज़ें अप्लाई करी थी। एक तो हमारा जो अपलाइन है उसको हमने बहुत प्रमोट किया था कि हाँ हमारा अप्लाइन है, जो वो बताएगा सही बताएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चीज़ लगती है, नेटवर्किंग का मतलब है मीटिंग। अगर आप रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, आपकी अपलाइन जो मीटिंग प्रमोट कर रहे हैं उस मीटिंग के अंदर आप हो तो समझ लो आप नेटवर्क बिल्ड कर जाओगे। और अगर आप वो ना करते हुए आप उस समय में ही कहीं प्लान फिक्स कर लेते हैं लोग, और ये बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इनको अगर हम बच करने से बचें और जो अपलाइन बोलता है एक्टिव अपलाइन जो सफल है उसके साथ कदम मिला के चलिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेटवर्किंग सेल्समैन ही नहीं है, नेटवर्किंग लोगों का एक समूह तैयार करना है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर सकें और उसको सीख के करना है। तो सीखने के लिए मीटिंग्स फंक्शंस वो हमारी होम मीटिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं, उनमें आप आइए करिए और वो करने से आपकी टीम अपने आप बिल्ड होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच हमारी टीम से आज अचीवमेंट हो गई है। हम विकास सर को ये थैंक यू सर, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। थैंक यू, आप भी आइए हमारे साथ मिठाई खाने के लिए, वेलकम। कोई भी गलती कर रहा है हम करेंगे खाली है कुछ है ये भी आ गई है। हम सब जो बिजनेस में हैं भोपाल टीम, हम सब के ग्राउंड लीडर दीपेश सर को हम जोड़ना चाह रहे हैं जिन्होंने आज यहाँ पे एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि दीपेश सर की अपलाइन जो है मुंबई से है और भोपाल उनका आना कम होता है, और उसके बाद भी जो है उन्होंने अपने अकेले के दम पे आज जो है भोपाल में नहीं पूरे भारत में एक मुकाम हासिल किया है, एक नाम कमाया है। यहाँ से जो है सिर्फ 2.5 साल में क्रेटा कार खरीदी है,
एक फॉरेन ट्रिप करके आए हैं, लाख रुपए प्लस का चेक ले रहे हैं। आज उनकी टीम में जगह जगह पे ब्लास्ट हो रहा है, जगह जगह पे जो है टीम बिल्ड हो रही है, लोग जो है प्लान दिखा रहे हैं, लोगों ने अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सर से जो सीखा है, तो हम भी जानना चाहेंगे सर आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरह से आप वेस्टेज में जो है लोगों को सफल देख रहे हैं, और आप सफल हो रहे हैं तो आपकी टीम कैसे सफल और हो सकती है, उसके लिए कुछ टिप्स जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर पहले मैं बोलूंगा कि आपका एक पूरा सफर बताइएगा वेस्टेज का, और उसके बाद जो है अपने टिप्स दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वेस्टेज बिजनेस में 6 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्की जसवाल एंड ज्योति जसवाल हैं, जो इस बिजनेस में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, यानी इंडिया लेवल में नहीं वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। इसके पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, काफ़ी साल जॉब की। जॉब करते करते ये समझ में आया कि जब तक नौकरी पे जाऊँगा तब तक पैसा आएगा, और कहीं ना कहीं मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी थी तो मैंने देखा 21st सेंचुरी में भी आज मैं चक्की चला रहा हूँ, यानी नौकरी पे जा रहा हूँ तभी तक पैसा आएगा, तो क्या मतलब है। कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे नेटवर्क बने, और मैं जब काम करूँ तब तो पैसा आए, जिस दिन काम ना करूँ तब भी पैसा आए। तो मुझे वेस्टेज बिजनेस आज की जरूरत के हिसाब से सबसे बेस्ट लगा। क्यों बेस्ट लगा? रीज़न सबसे पहले मैनेजमेंट, मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक सूद जी, कन्वर जी थी, जबरदस्त एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छा विजन उस उन लोगों का। सेकंड चीज प्रोडक्ट मैटर करते हैं। आज वेस्टेज के प्रोडक्ट जो भी हैं आप देखिए, क्वालिटी वाइज सुपर्ब है और रेट्स वाइज बहुत ही रीजनेबल है। तीसरी चीज वेस्टेज का ह्यूज ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें सपोर्ट सिस्टम या एक सिस्टम कह सकते हैं, जबरदस्त है हर जगह ऑल ओवर इंडिया में, और आज दुबई और नेपाल में भी ट्रेनिंग्स होती है, मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ नॉमिनल चार्जेस रहते हैं। और फोर्थ चीज, आज वेस्टेज का जो इनकम प्लान है, आज हजारों लोग लाख रुपए प्लस महीने की इनकम ले रहे हैं वेस्टेज से, 4,000 से ज्यादा कारें आ चुकी हैं, 95 प्लस लग्जरी कार आ चुकी है। तो यानी ये चार चीजों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन वेस्टेज में, इसलिए मैंने वेस्टेज चूज किया। एक साल अनडाउटली काफी लर्निंग वाला रहा, बहुत सीखा, कई लोग आए बिजनेस में, कई लोग चले गए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे टीम वाले हों, बट मैं टिका रहा। टिका रहने का फायदा मिला कि डेफिनेटली जो टिका रहता है उसको बेनिफिट मिलता है, तो टिके रहने का सिस्टम, टीम आती रही, नए नए लोग आते रहे, बिजनेस बढ़ता गया। अगर मैं पहली बात करूँ, मेरा फर्स्ट मंथ का चेक 168 था, फर्स्ट ईयर जब मैंने कंप्लीट किया था तो ये चेक 28,000 पहुँच चुका था, सेकंड ईयर जब मैंने कंप्लीट किया था तो ये चेक 75 प्लस पहुँच चुका था, और आज के डेट में 1,00,000 प्लस मेरा चेक है। तो ये लगातार सक्सेस बढ़ रही है, और डेफिनेटली हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं डेफिनेटली, और आज बड़ी खुशी होती है कि आज लोगों के अचीवमेंट को देखते हैं और उसे इंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। बस इस बिजनेस की एक ही कुंजी है कि मिस्टर गौतम अली जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रहेंगे, बट रहेंगे जरूर, खड़े होकर दूर से ना देखें, क्योंकि ये बिजनेस उस तरह का है कि एकदम से तो डेफिनेटली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा, बट आप अगर टिके रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, प्रोडक्ट अनडाउटली जबरदस्त है, प्रोडक्ट अपना काम करते हैं, बट अगर आप ड्रीम पे फोकस करेंगे अपनी टीम को, ड्रीम जैसे अभी मैं एक लीडर के पास बैठा था जिनका आज डायरेक्टर अचीवमेंट हुआ, अभी उन्होंने मुझसे कहा सर अगले 3 महीने में, यानी 14 फरवरी को मेरी बिटिया का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ उस दिन मेरी एक कार इस बिजनेस में आए। तो हम लोग उसकी प्लानिंग अभी कर रहे थे, बीच में विकास जी ने बुलाया तो मैं आ गया। तो सिंपल सा बंडा है, ड्रीम्स पे आप फोकस कीजिए, दुनिया में हर चीज़ हासिल होती है। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, आज आपने बात सुनी तो आपने एक चीज़ समझी होगी, बिजनेस में अपलाइन का रोल है, लेकिन अपलाइन के रोल से ज़्यादा जो सिस्टम का रोल है। अगर आप जो है मीटिंग फंक्शन में जाना जारी रखते हैं, अगर आप जो है अपलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो सिटी में हो, सिटी के बाहर हो, कहीं भी हो, तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो है यहाँ पर सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, और आप अगर सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो आप भी यहाँ पर जो है सफल हो सकते हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा जो मेरे भी अपलाइन हैं, अनिल सर के भी अपलाइन हैं, सोमेश सर के भी अपलाइन हैं, और साकिया सर की भी अपलाइन है, लेकिन दीपक सर की डाउनलाइन है। अनंत सिंह जो कि पिछली कंपनी उनकी भी वही थी जो अनिल शर्मा सर की थी, वहाँ पे उन्होंने 4.5 साल दिए थे, अच्छी मेहनत की थी,
और एक ऐसे व्यक्ति के साथ मेंटर थे वो, उनके लिए ऐसे व्यक्ति मेंटर थे जो व्यक्ति जो है कई सारे लोगों को सिखा रहे थे, लेकिन सर जो है उनसे डायरेक्टली टच में थे और डायरेक्टली टच में होने के उन्होंने बहुत कुछ सीखा बिजनेस के बारे में, इसलिए आज उनकी टीम में काफ़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, वो डायमंड लेवल अचीव कर चुके हैं, उनने भी यहाँ पे सफलता हासिल की। तो अपलाइन कौन है उससे ज़्यादा मायने रखता है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम के साथ मायने रखता है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के साथ मायने रखता है प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, रीपर्चेज आ रही है नहीं आ रही है, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों के सपने पूरे नहीं होंगे कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता दोस्तों, क्योंकि बिजनेस के लिए लोगों के सपने पूरे होना जरूरी है। सिर्फ हम ये बोलते रहे कि हाँ होगा होगा होगा, आज नहीं तो कल हमारे सपने पूरे होंगे, आज नहीं तो कल हमारे सपने पूरे होंगे, हमें होप है होप है होप है, तब तक हम अपने आप से झूठ बोलेंगे। दोस्तों मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, आपका अपना निर्णय है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग समझ गए होंगे कौन सी कंपनी है, क्योंकि मैं भी उसी कंपनी में था, 6.5 साल मैंने उसमें काम किया, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे, काम कर रहे थे, सर ने ऐसा बताया रेंगने का, तो रेंग रहे थे, चल रहे थे, दौड़ रहे थे, समय समय पे सब काम हो रहे थे, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए वेस्टीज को शुरुआत करा। और जिस एक ड्रीम के लिए मैंने वो बिजनेस ज्वाइन किया था, जो मैंने जो शुरू करा था वो किया था नवंबर 6, 2009 में, उस बिजनेस को मैंने किया और तेजी से उस बिजनेस में सिल्वर गया, कुछ काम किया मैंने उसमें ऐसा कि मैं सिल्वर गया, फिर उसके बाद कुछ रीजन भी आए कि वो बिजनेस में मैं ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, कुछ कारण बने ऐसे, लेकिन वहाँ से जो मेरा सपना था जिसके कारण मैंने तेजी से वहाँ पर सिल्वरशिप ली थी वो था फॉरेन ट्रिप, वहाँ पर 6 साल देने के बाद भी मैं फॉरेन ट्रिप पर नहीं जा पा रहा था, नहीं जा पाया था, और वेस्टिंग शुरू करने के मैं सीधे सीधे साल भर में, क्योंकि 22 फरवरी 2016 को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और 14 फरवरी 2017 को मैं दुबई अबू धाबी के लिए फ्लाई कर रहा था, तो सिर्फ एक साल में वो चीज़ मुझे अचीवमेंट मिला, वो मेरे लिए पहला मौका था जब मैंने फ्लाई किया था किसी विदेश यात्रा के लिए, क्योंकि फ्लाई मैंने भोपाल से इंदौर, भोपाल से दिल्ली, बॉम्बे, ये सब मैंने बहुत बार किया उधर, लेकिन फॉरेन ट्रिप नहीं किया, वो ट्रिप मुझे यहीं से मिला, वेस्टीज से मिला, और अभी हम बिल्ड कर रहे हैं एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर व्यक्ति सफल हो सकता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, हम काफ़ी सारे टिप्स आप लोगों को दे रहे हैं, आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और वो मुझे बताते हैं, बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं उसको प्रमोट कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा YouTube चैनल आपको बेनिफिट दे रहा है और आते और अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूं और आपकी टीम को और आपके लोगों को सफल हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ये वीडियोज़ मैं जो बना रहा हूँ सिर्फ वेस्टीज के लिए ही हैं जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो सिर्फ नेटवर्क के लिए हैं, किसी भी कंपनी के आप हो सकते हैं, मैं नेटवर्क को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस जो है 2 प्रकार का होता है, लेकिन मैंने उसको बोला कि 3 प्रकार का होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम छोटी मोटी शॉप बना अपनी खोलते हैं, उसके बाद सेकंड बिजनेस जो होता है वो होता है आपका फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस, फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस तो आगे हम जब देखते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, तो मेरी एक इजाज़त हुई है, हो सकता है लोग जानते हैं हो सकता नहीं जानते, मैंने पहली बार बताई वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बताने की आप लोगों को, आप जुड़िए मुझसे और जुड़े रहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विश यू वेल।